ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 91वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर गोरक्षपीठ द्वारा श्री गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में साप्ताहिक रामकथा यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा का लाइव टेलीकास्ट गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब व गोरखपुर न्यूज चैनल पर किया गया। कथा का शुभारंभ भगवान गुरु गोरखनाथ जी की पूजा एवं आचार्य द्वय के समाधि स्थलों की पूजा के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अखंड ज्योति एवं श्री वाल्मीकि रामायण की पुस्तक के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ कथावाचक स्वामी राधवाचार्य जी महाराज, महंत सुरेश दास, प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, मठ पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी एवं संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगणों के साथ शोभा यात्रा स्मृति भवन में पहुंची, जहां पर व्यासपीठ का पूजन यजमानगण द्वारा वैदिक मंत्रों से संपन्न हुआ। श्री राम कथा का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि युग पुरुष ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर राम जन्मभूमि अयोध्या धाम के भगवान श्री राम कथा का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के जीवन का प्रमुख लक्ष्य अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण था, जो न्यायालय के निर्णय के उपरांत भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से शिलान्यास हुआ। ये गोरक्षपीठ के दोनों आचार्यों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि हुई। भगवान राम के भव्य मंदिर के शुभारंभ के बाद देश में पहली बार राम कथा हो रही है और वो भी गोरक्षपीठ में हो रही है। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हम सभी इस राम कथा को जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। कथा व्यास राधा वाचार्य जी महाराज ने कहा कि श्री रघुनाथ की मंगलमय कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। आज न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में भगवान के भव्य मंदिर के शुभारंभ के अनंतर राम कथा का प्रथम आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक राम मंदिर आंदोलन को चेतना प्रदान किया, आज उन महंत की पुण्यतिथि के अवसर पर गोरक्षपीठ में राम कथा कहने का प्रथम अवसर हमको मिला है। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। भगवान श्री राम का चरित्र मंगल चरित्र है। उनकी कथा का श्रवण सर्वाविध मंगल कारक है, क्योंकि भगवान का जन्म ही मंगलवार को हुआ था। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने अनादित वेद राशि के अनंतर लौकिक संस्कृत के आदि काव्य रामायण की रचना की। इस काव्य के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने धर्म की स्थापना करने का कार्य किया। भगवान राम साक्षात धर्म के विभिन्न स्वरूप हैं। कथा के अंत में यजमानगण महंत रविंद्र दास, जवाहर प्रसाद कसौधन, ईश्वर मिश्रा, सीताराम जायसवाल, जितेंद्र बहादुर चंद, पुष्पदंत जैन, महेंद्र पाल सिंह, अवधेश सिंह, अजय सिंह, विकास जालान, संतोष कुमार अग्रवाल, महेश पोद्दार, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, ओम जालान, अरुण कुमार अग्रवाल उर्फ लाला बाबू, श्रीचंद बंसल, रेवती रमण दास अग्रवाल, उर्मिला सिंह, अनीता सिंह, विवेक सूर्या आदि ने सपरिवार व्यासपीठ पूजन अर्चना तथा आरती की। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक शीतल पांडे, पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, श्री रामजन्म सिंह, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, स्थापित करते हुए
केवल तीन लोग विराजमान हो, मैं राष्ट्रपति पर विराजमान होने के लिए सर्वप्रथम पूरे भक्तजनों की ओर से, पूरे यजमानों की ओर से हृदय से स्वागत का अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति पर विराजमान होते हुए तथा अयोध्या वहां से पधारे अनंत से लोगों से जगह रामाचार्य स्वामी इस संपूर्ण आयोग के सुप्रभात गोरक्षपति खातीश्वर यशस्वी तेजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य सिंह अंबेडकर कर रहे हैं दिगंबर का अयोध्या से पधारे महंत सुरेश राजे महाराज पर विराजमान होते हैं। एक बार सभी आदरणीय यजमानों से निवेदन है कि कल से अभिनंदन करें अपने सभी आदरणीय मेहमानों से निवेदन करता हूँ कि किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा कोरोना की परिस्थितियों के कारण, इसलिए व्यासपीठ का पूजन अर्चन यही नीचे से आपको संपन्न करने के कारण व्यासपीठ का पूजन अर्चन समाचार में यही नीचे से आप व्यासपीठ के सामने आदरणीय जाने वाला अवसर वाला वाले यात्रा में नीचे से आप सम्मान कर सम्मान हो रहा है और इसमें सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर मोहित जी, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी और संस्कृत विद्यालय के आदरणीय आचार्य श्री भागेश जी, श्री भगवान। यह नीचे से कोरोना की मायाओं का पालन करते हुए सम्मान किया जा रहा है सभी आदरणीय महाराष्ट्री यशस्वी योगस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री
शताब्दी
वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे, लेकिन अचानक कोरोना के प्रकोप के कारण सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े थे। संस्थाओं के अपने स्तर पर कार्यक्रम करने थे, वर्चुअल कार्यक्रम थे, कुछ कार्यक्रम नहीं हो पाए। बहुत सारे संस्थाओं ने बहुत तरीके से अपने कार्यक्रम संपन्न भी किए, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों महापुरुषों का जो अभिष्ट लक्ष्य था, और जब भी उनकी जीवनी के बारे में हम देखते हैं, उनके जीवन के जो वास्तविक लक्ष्य थे, उनमें से किसी एक कार्य के बारे में हम लोग जब विचार करते हैं, तो ये देखकर के आता है, तो लगता है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य होना ही चाहिए, और यह वर्ष इस कार्य के शुभारंभ का और वर्ष होने के नाते हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है। और मुझे लगता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के शुभारंभ के बाद संभवतः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का अवसर भी गोरखपुर वासियों को पहली बार प्राप्त हो रहा है। पूरे देश के अंदर पहली कथा है विश्व रूप में यहाँ पर आयोजित होने जा रही है। कथा विगत वर्ष तक पूरा सभागार भरा रहता था, बाहर लोग बड़ी मात्रा में बैठते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हैं, संक्रमण को बचाव करने के लिए आपने देखा होगा कि शोभा यात्रा भी बहुत संक्षिप्त थी, बहुत छोटी थी। इसी प्रकार से पूजन का कार्यक्रम भी दूरी से करने के साथ एक औपचारिकता करने का, क्योंकि भगवान तो भक्त के भाव में ही निवास कर देते हैं, इसलिए अन्य औपचारिकताओं को दूर करते हुए सभी यजमानों ने भी इसमें सहभागी सुनिश्चित किया और अपना योगदान दिया। और आज इन जो हमारे पूर्व आचार्यगण थे, ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मदेव महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज, इन पूज्य संतों की पुण्यतिथि के कार्यक्रम का जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, इस साप्ताहिक कार्यक्रम का शुभारंभ इस कार्य से आज आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर कथा व्यास के रूप में जगतपुरुष वाग्भाचार्य जी महाराज का गोरखस्थी में हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके नाम को एक मंत्र के रूप में धराधाम पर प्रस्तुत करने वाले जो त्रिकालदर्शी ऋषि थे, वह थे महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत को वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ करने के लिए इस त्रिकालदर्शी ऋषि ने जो अथक प्रयास किया, प्रणाम किया, उसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पावन ग्रंथ हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ये पावन ग्रंथ ही वहां से प्रारंभ होता है कि श्लोक में कहां से प्रारंभ होता है कि श्लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पावन गाथा से लोगों का कल्याण होता हो, लोग कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता हो, और महाराज जी पर जिसके पात्र का नाम करते हैं वह पात्र होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और जहां से प्रारंभ होती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का शुभारंभ, हम लोग इस पावन कथा को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, और इसी दृष्टि रामो विग्रहवान धर्मो कहकर के महर्षि वाल्मीकि ने राम को धर्म के साथ साथ उस स्वरूप के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया जो हमें हमारे कर्तव्य के बारे में, सदाचार के मार्ग के अनुसरण करने के बारे में, हमें जीवन की उन सच्चाइयों के बारे में, लोक कल्याण के मार्ग का अनुसरण करने की सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहे, इस भाव के साथ उन्होंने इस भाव को आगे बढ़ाया है। आप सब सौभाग्यशाली हैं
कि भले ही यहाँ पर सीमित संख्या में श्रद्धालु इस कथा को साक्षात अनुभव कर पाएंगे, सुन पाएंगे, लेकिन सिटी चैनल के माध्यम से, वर्चुअल संवाद के माध्यम से लाखों लोगों तक इस कथा का श्रवण करने का आनंद श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद भगवान राम की पहली कथा संभवतः देश के अंदर होने जा रही है, और गोरखपुर से होने जा रही है। यह पूज्य संतों के प्रति हमारी एक पावन श्रद्धा भी है, श्रद्धांजलि भी है, विनम्र कोटि कोटि नमन भी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुजनों का, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग बच्चों इसको सुन रहे हैं, जो यजमानगण हैं, और अपने मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का, क्योंकि उनके बगैर यह सभी श्रद्धालु तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए इन सब कवि मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ पर गुरु रामाचार्य जी का, विक्रमवर खाना के महान जी का, अन्य सभी पूज्य संतों का जो भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने हैं, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा हम सबको सदाचार के मार्ग पर शुरू करने, लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने और हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम लोग निश्चित ही इस देश की लड़ाई, कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग विजयश्री में बदलने में सफल होंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस बात के लिए कि हम लोग करना कोरोना का जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करते हुए कथा में भी हम शामिल होंगे और साथ साथ सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी पवित्रता के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस आदर्श जीवन चरित्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और उनसे प्रेरणा प्रकाश प्राप्त करके लोक मंगल के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से सम्मान व्यक्त करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इस पावन अवसर पर एक बार फिर से मैं कथा व्यास जी का, एक संतों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जिन विश्व मंदिर के क्रम में यह आयोजन संपन्न हो रहा है, उसमें कुछ वृक्ष पीठाधीश्वर मन रविनाथ जी महाराज के संघर्षों के प्रतिफल का अवसर है, उनकी तपस्या इस राष्ट्र में पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना के बाद इतने समृद्ध शानदार और पारंपरिक तरीके से, विधि विधान तरीके से, पारंपरिक मर्यादा के साथ उनके श्रद्धांजलि में यह कथा आयोजित कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है, बहुत ही विशिष्ट वर्ष है, बहुत विशिष्ट
Thank you.
हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता।